दोस्तों नमस्कार। जींद नगर परिषद चुनाव के लिए बिसात बिछ गई है और सभी प्यादे भी फाइनल हो गए हैं और अब जो असली चुनाव है हम कहें कि वो शुरू हुआ है, क्योंकि आज जितने भी प्रत्याशी हैं जो प्रधान पद के और पार्षद पद के सभी को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं और चुनावी रण आज से शुरू हो गया है। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको विस्तार से बताते हैं, जींद नगर परिषद चुनाव में प्रधान पद के लिए कुल 15 कैंडिडेट थे जबकि नामांकन 16 थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 नामांकन किए गए थे तो इनमें से आज 2 नामांकन वापस हो गए हैं, यानी कि एक नामांकन तो रिजेक्ट हो गया है, जो कि हम कहें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 2 नामांकन थे उनमें एक रिजेक्ट हो गया है, वो कैंसिल हो गया है, और एक निर्दलीय था रजनी अरोड़ा का, जो कि JJP की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, उन्होंने बाद में निर्दलीय प्रधान पद के लिए नामांकन किया था, उनका उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो इस तरह से अब कुल 13 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और उन सभी 13 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। इन 13 में से जो 4 प्रत्याशी हैं वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के हैं, जबकि जो बाकी 9 प्रत्याशी हैं वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इन सबको चुनाव चिन्ह अलॉट हो गए हैं। आपको बता दें कि किस प्रत्याशी को कौन सा चुनाव चिन्ह अलॉट किया है और कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं। नंबर 1 पर हैं अनुराधा सैनी, भारतीय जनता का पार्टी की प्रत्याशी हैं, कमल का फूल उनको अलॉट किया गया है। सलमा बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनका हाथी का चुनाव चिन्ह रहेगा। भगवती इनेलो की प्रत्याशी हैं और चश्मा उनका चुनाव चिन्ह रहेगा। डॉक्टर रजनीश जैन आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं और झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह रहेगा। बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनमें अनिता रानी का चुनाव चिन्ह कलमदवात, अमरजीत कौर चौहान का चुनाव चिन्ह हाथगढ़ी, उषा रानी का चुनाव चिन्ह फलों सहित नारियल का पेड़, निशा लखीना का चुनाव चिन्ह बस, पूजा का चुनाव चिन्ह मटका, मीना कुमारी का कुर्सी, राजबाला का डमरू और संतोष कुमारी बेनीवाल का रिक्शा और सविता कुंडू का चुनाव चिन्ह हाथ सकी दिया गया है। तो ये तो थे जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं 13, उनको सिंबल अलॉट हुए हैं। और जो हम करें पार्षदों की बात, पार्षद पद के लिए कुल 135 लोगों ने अपना नामांकन किया था, उनमें से 2 के नामांकन रिजेक्ट हो गए थे, 133 हो रह गए थे। 133 में से आज 11 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब कुल 122 प्रत्याशी 31 वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ेंगे और 13 प्रत्याशी प्रधान पद का चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरा जो सिनेरियो है ये है। आज हम आपको यह भी एक आह्वान करते हैं पड़ताल टीवी की तरफ से, अब जो चुनाव एक शुरू हुआ है, अब आपके पास बहुत तरह से नेता आएंगे, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कहीं शराब परोसी जाएगी, मीट अंडा मांस सब तरह की अब महफिलें चलेंगी। तो हमारी अपील ये है, अच्छे ईमानदार सुशिक्षित व्यक्ति को वोट दें जो कि बाद में इस शहर का भला कर सके। ऐसा ना हो अभी हम जाति धर्म के नाम पर वोट डाल दें और बाद में फिर हम कोसते रहें, गालियां देते रहें और फिर कहते रहें शहर का कोई विकास नहीं हुआ। तो अच्छे शिक्षित व्यक्ति का चुनाव करें ताकि इस शहर का भला हो सके। धन्यवाद।